गुरदासपुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने गुरदासपुर लोकसभा से संबंधित 9 विधानसभाओं की 9 बैठकें बुलाई हैं। ये बैठकें 12 अगस्त यानी कि आज सुजानपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रावी सदन में बुलाई गई हैं, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पंजाब प्रभारी प्रभात झा विशेष तौर पर भाग लेने पहुंचे। और सानू उम्मीद है कि थोड़े दिन अंदर होना अक्टूबर की डेडलाइन है, तो यदि तैयारी हेतु गुरदासपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु गुरदासपुर लोकसभा चुनाव के अंदर आती है 9 विधानसभाओं की एक मीटिंग कल सवेरे 9:30 बजे सुजानपुर विधानसभा के अंदर एक रावी सदन है पठानकोट के कोल है, पार्टी के पार्टी सूबा प्रधान श्री विजय सांपला जी ने सदी है। इस बैठक के अंदर श्री प्रभात झा जिहड़े पंजाब दे साडे प्रभारी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने MP ने वह विशेष तौर पर रहणगे। प्रभात झा जी और सांपला जी दोनों ये मीटिंग लैणगे। लगभग साड़ी 9 बैठक हो जाएंगे, ये 9 बैठक जड़ियाँ विधानसभा वाइज हो। पहली मीटिंग 9:30 तो 10:30 रहेगी सुजानपुर विधानसभा की, 10:30 तो 11:30 रहेगी गुरदासपुर विधानसभा की, 11:30 से 12:30 रहेगी फतेहगढ़ चूड़िया की, 10:30 से 11:30 रहेगी बटाला विधानसभा, कादिया विधानसभा 2:30 से 3:30, डेरा बाबा नानक 3:30 से 4:30, दीनानगर 4:30 से 5:30, पोहा 6 से 7 और आखिर च पठानकोट विधानसभा 7 से 8। और इस बैठक के अंदर यह सुनिश्चित किया गया है कि भी जड़े उस विधानसभा मतलब एक असैम्बली के अंदर चाहे कोई कौमी अहदेदार ने चाहे सूबा अहदेदार ने चाहे कौमी कार्यकारी सदस्य ने चाहे सूबा कार्यकारी सदस्य ने और चाहे वो जिला अध्यक्ष ने जिला पदाधिकारी ने मंडल अध्यक्ष ने मंडल महामंत्री ने विधानसभा चुनाव जीते हुए हारे हुए साडे कैंडीडेट ने मेयर डिप्टी मेयर नगर कौंसल दे प्रधान इहदे अलावा नगर कौंसल इत्थे प्रधान नहीं है उत्थे उप प्रधान कोई चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति का जिला परिषद का ये इस तरह करके जो चुने हुए लोग हैं एक कैटेगरी बनाई है ये सब लोग जड़े हैं इस मीटिंग च रहेंगे विधानसभा शायद बैठक होएगी।